नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप होते हैं इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम में, तो आज हम उसे लाइन डायग्राम की मदद से जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड एट अ जनरेटिंग स्टेशन एंड देन दे आर प्रोवाइडेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर। जो लोग जैसे कि आप जैसे लोग जो पंखा चलाना चाहते हैं उन पर ये पावर सप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पावर जनरेट करनी है, इसलिए सबसे पहले तो पावर स्टेशन में पावर जनरेट होगी। तो सबसे पहले हम पावर स्टेशन में पावर जनरेट करेंगे। तो जनरेट करने के लिए लाइन डायग्राम में क्या होगा, तो सबसे पहले जनरेटर होगा। तो हम इलेक्ट्रिकल में जनरेटर को कुछ इस तरह से साइन में डिफाइन करते हैं। तो ये है जनरेटर, और जनरेटर कितना जनरेट करेगा, तो कोई भी पावर प्लांट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 kV ही जनरेट कर सकता है। इससे ज़्यादा एनर्जी आप जनरेट कर ही नहीं सकते। तो फिर क्वेश्चन ये हुआ कि ये लोग 220 kV या 440 kV किस तरह से लाते, तो सिंपल इसे क्या करेंगे, 11 kV को हम स्टेप अप करेंगे, STEP अप। किसकी मदद से, ट्रांसफार्मर की मदद से। ओके, तो अब हमारा पावर जनरेट हो गया। अब ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करना है, तो सबसे पहले जितने डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करना होगा उतना ही आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। तो अब हम इसे स्टेप अप करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में लाइन डायग्राम में कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, तो ये है, तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, तो सबसे पहले हमारा 11 kV अपसाइड यहाँ से जनरेट होके आया, उसे हम स्टेप अप करते हैं। कितना करते हैं, तो 220 kV। ओके, तो स्टेप अप करने के बाद यहाँ जो वोल्टेज होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और ऊपर की साइड जो वोल्टेज होगी वो हम वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये हुआ प्राइमरी ट्रांसमिशन, तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा जो प्राइमरी ट्रांसमिशन। ओके, उसके बाद हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अब सब स्टेशन में इसे पहुंचाना है। जैसे कि स्टेप डाउन किए हमने और रिसीविंग स्टेशन तक आ गया, यहाँ से हम डिफरेंट जगह पर इसे ट्रांसमिट कर लेंगे, और जो होगा बचा कुचा उसे हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहेंगे। ओके, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और यहाँ पर हमने स्टेप डाउन किए, तो बस 220 केवी के हमने कितने में किए, तो 66 केवी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किए। अब हम इसे रीजनल सबस्टेशन में, ये रीजनल सबस्टेशन में पावर जाएगा, तो क्या होगा, तो इसे हमें और स्टेप डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा 66 केवी और कितने में, 11 केवी। क्या किया जाएगा, उसे सबस्टेशन में पहुंचाया जाएगा, और यहाँ से जिसको जितनी इसकी यूज़ होगा वहाँ वहाँ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ये लाइन डायग्राम यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ये स्टेप डाउन होके कुछ लाइनें तो ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएगी, इसलिए 11 केवी ही जाएगा, और कुछ लाइनें ये स्टेप डाउन होगी जो 11 केवी का ये 415 वोल्टेज जो हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेते हैं, तो ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा। तो हमारा ट्रांसमिशन आ गया, और ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमने देखा कि पावर जनरेट होती है, उसके बाद स्टेप अप होती है, स्टेप अप होने के बाद ये
स्टेप डाउन होती है, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और स्टेप डाउन होने के बाद ये सब स्टेशन या रिसीवर में जाती है। उसके बाद ये सब स्टेशन में और सब स्टेशन के बाद ये बड़ी बड़ी कंपनियों में और रीजनल एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अगर आप पावर स्टेशन के बारे में देखें तो 3-phase 3-wire सिस्टम होता है और 11 kV ही जनरेट होता है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन सिस्टम है डिलीवर बल्क पावर को जो डिलीवर करता है और पावर स्टेशन पर, तो उसे ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन इज द सिस्टम विच इलेक्ट्रिकल पावर इज डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में लाइट आती है तो वो होगा एसी। हमारे पास जो ओवरहेड लाइन है वो एसी होगा। उसमें क्या होता है कि 4 wire होते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप अपने लाइन बाहर जाके भी अपने घर की लाइन देखेंगे, वहाँ पर 4 wire होते हैं। उसमें से अगर 3 wire का यूज़ किया जाए तो वो होता है 3-phase। और अगर 3-phase wire का यूज़ किया जाए तो आप 415 volt का यूज़ कर सकते हैं। अगर 1-phase और न्यूट्रल का यूज़ किया जाए तो वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए 230 volt। और हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है तो ये आपको हमें बताना है, ओके। तो इसी तरह से आप पावर, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम को जान सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। अगर आप फिगर में देखना चाहें तो कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद जनरेट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप होता है, कितना स्टेप अप होता है तो जितनी दूर ले जाना होता है इतना स्टेप अप होता है। नाउ ट्रांसमिशन कस्टमर से द्वारा फिर से ट्रांसमिशन हुआ, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यहाँ से सबस्टेशन में आया, सबस्टेशन में ये प्राइमरी कंज्यूमर और यहाँ से ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो कस्टमर को होते हैं, जो 240 वॉट का यूज़ करते हैं। तो थैंक यू, आज इतना ही। उसके बाद हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसकी रेटिंग दीजिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए, और क्या चेंजेस करना चाहिए वो भी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।